दोस्तों नमस्कार, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मेरा जैसा शीर्षक आपने पढ़ा है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर क्यों ना उंगली उठाऊं। पहले मैं आपको दिखाता हूँ 187 कोलाबा चुनाव आयोग का ऑफिस कहाँ है। आप देख सकते हैं ये सामने दिख रहा है ऑफिस, ये है ऑफिस। और सामने देखिए नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा पोस्टर, ये देखिए सामने नरेंद्र मोदी जी का इतना बड़ा पोस्टर लगा हुआ है। और ये चुनाव आयोग का ये गेट है। यहाँ से अगर हम निकलते हैं कुलाबा विधानसभा का जो चुनाव आयोग का गेट है, यहाँ से हम निकलते हैं अगर, ये देखिए चुनाव आयोग 187 कुलाबा विधानसभा का चुनाव आयोग का कार्यालय, यहाँ से अगर हम निकलते हैं तो सबसे पहले अगर हमारी कहीं नज़र जाती तो देखिए सामने। कल मेरे एक मित्र ने ट्वीट के जरिए और फेसबुक के जरिए उसने इस चीज़ को इंडिकेट किया कि भाई चुनाव आयोग ध्यान में आ जाए और इसको हटा दे। लेकिन चुनाव आयोग पूरी तरह से नरेंद्र मोदी के शासन में उनके दम पर अपना काम कर रही है। आप लोग देखिए किस तरह, ये मेट्रो का एरिया है, मेट्रो सिनेमा का एरिया है और इसे धोबी तालाब भी कहते हैं। और पूरी तरह से चुनाव आयोग ये भाजपा के शासन में उनके अधीन होकर काम कर रहा है। सिर्फ यही दिखाने के लिए मैं आया था मेरे भाइयों, इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पता चले कि नरेंद्र मोदी किस तरह से काम कर रहा है और चुनाव आयोग किस तरह से काम कर रहा है। सामने चुनाव आयोग का ऑफिस है, ये है चुनाव आयोग 187 कुलाबा विधानसभा। और उसके ठीक सामने आचार संहिता का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा है, लेकिन इस तानाशाह मोदी सरकार को ये सब दिखता नहीं। आप देखिए किस तरह से, ये मेट्रो है, मेट्रो जंक्शन बोलते हैं इसको, धोबी तालाब भी बोलते हैं, ये वहाँ का एरिया है। आप देखिए किस तरह से इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जो प्रचार कर रहा है वन रैंक वन पेंशन का। मोदी सरकार फिर एक बार ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा है। मेरे दोस्तों भाइयों, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उनकी जो रणनीति है अभी भी चुनाव आयोग को अपने ताबे में लेके काम कराया जा रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, उसको हम पूरी तरह से बेनकाब कर सके, देश की जनता को दिखा सके कि किस तरह से ये भाजपा सरकार चुनाव आयोग को अपनी कठपुतली बना के काम करवा रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।